अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में आप यूनिकॉर्न बर्थडे केक का पार्ट टू देखेंगे। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप मेरी प्रीवियस वीडियो वॉच कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ और चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होंगी, अगर नहीं भी हैं तो उसके बगैर भी आप केक को बना सकते हैं। तो पाइपिंग बैग, कुछ पाइपिंग टिप्स, स्क्रेपर, ये सब चीज़ें भी आपको चाहिए होंगी। अगर नहीं है तो आप ज़िपलॉक बैग इस्तेमाल कर लें और जस्ट सिंपल फ्रॉस्ट कर लें, केक फिर भी तैयार हो सकता है। तो यहाँ पे केक बोर्ड पे लगाई है थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग और फिर रख दिया है फर्स्ट लेयर केक की वनीला केक। 6 से 7 टेबलस्पून भर के आपने हर केक की लेयर पर शुगर सिरप ऐड कर देना है, यानी कोई भी जगह केक की जो है वो ड्राई नहीं रहनी चाहिए, अच्छी तरह आपने लगा देना है। वरना क्या होगा, ये काफ़ी बड़ा केक है तो ड्राई हो सकता है केक जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे। फिर यहाँ पे अप्लाई की फ्रॉस्टिंग और फिर उसको इवन आउट करके यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ मिनी चॉकलेट चिप्स। आपके पास नहीं है तो आप ग्रेट की हुई चॉकलेट ऐड कर सकते हैं, नट्स ऐड कर सकते हैं, या आप इसमें वाइट चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं। ये जो बची हुई चॉकलेट सॉस है ये सिर्फ 2 लेयर्स में जाएगी, तो हाफ एंड हाफ करके आप इसको भी ऐड कर दें। अब यहाँ पे ये सेकंड लेयर मैं लगाऊंगी चॉकलेट केक की। इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं फ्लैट कर रही हूँ ताकि केक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बने और बिल्कुल बेकरी में जिस तरह से बनाया जाता है केक उस तरह से कोई कमी ना रहे। अब यहाँ पे अगेन ऐड करना है शुगर सिरप 6 से 7 टेबलस्पून भर के। अब यहाँ पर देखें, मैं वनीला चॉकलेट वनीला इस कॉम्बिनेशन को तैयार करूँगी। आप चाहें तो चॉकलेट वनीला एंड चॉकलेट भी कर सकते हैं। फ्रॉस्टिंग लगाई है दोबारा इस लेयर पे और ये बची हुई बाकी की चॉकलेट सॉस मैंने आपको बताया था सिर्फ 2 लेयर में जाएगी, तो यहाँ पे अब ये बाकी की भी पूरी ऐड कर दी। अगेन मिनी चॉकलेट चिप्स, ये सेमी स्वीट चॉकलेट है। अगर आप डार्क ऐड करना चाहें, मिल्क चॉकलेट ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। आखिर में ये थर्ड लेयर केक की विच इज़ वनीला केक, और फिर अगेन इस पर भी 6 से 7 टेबलस्पून भर के ऐड कर दें शुगर सिरप के। ये तमाम चीज़ें मैं आपको प्रीवियस जो पार्ट वन था उसमें मैंने बनाना बता दी थी। अब पूरे केक को बची हुई बाकी की ये जो पूरी फ्रॉस्टिंग है चॉकलेट फ्रॉस्टिंग व्हिप्ड क्रीम से जो तैयार की थी, पूरे केक को आपने कवर कर देना है, टॉप से भी और साइडों पर भी जितनी भी है वो सब आपने यहाँ पर इस्तेमाल कर लेनी है। आगे इस फ्रॉस्टिंग का कोई भी और यूज़ नहीं है। अब इस केक को मैं फ्रिज में रख दूँगी 1 से 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए। जब तक के केक को आप फ्रिज में सेट होने के लिए रखें, आपने तैयार कर लेनी है इसकी बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग। मैं अलग से भी सिखा चुकी हूँ, कंप्लीट वीडियो है स्टेप बाय स्टेप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं या फिर यहाँ पर देख लीजिए, दिस इज़ वेरी इजी। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप के जितना अनसॉल्टेड बटर, नॉट मार्जरीन बटर, और इसको मैंने रूम टेम्परेचर पर रख दिया था सॉफ्ट होने के लिए। बीट करना है मीडियम स्पीड पर इतना कि ये फ्लफ़ी हो जाए। यहाँ पर एक टिप देना चाहूँगी, मुझे महसूस हुआ कि बटर ज़्यादा ही मेल्ट हो गया, सॉफ्ट हो गया। अगर ऐसा हो जाए तो परेशान बिल्कुल मत हो, फ्रिज में जो रखा हुआ बटर है उसको आप ग्रेट करके 1 से 2 टेबलस्पून ऐड कर दें। दोबारा बीट करेंगे तो जो कंसिस्टेंसी है बटर की वो बिल्कुल सेट हो जाएगी। काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि कैसे पता चले कि बटर फ्लफ़ी हो चुका है, तो उसकी पहचान ये है, बटर कलर में थोड़ा लाइट हो जाएगा और क्वांटिटी में आपको ज़्यादा नज़र आएगा। अब यहाँ पे इस बटर में टोटल मैं ऐड करूँगी 3 कप के जितनी पाउडर्ड शुगर यानी कि आइसिंग शुगर, लेकिन हाफ हाफ कप ऐड करते जाएंगे और बीट करते जाएंगे। और स्टार्टिंग आपने स्लो स्पीड से करना है, देन आपने बीटर की स्पीड को मीडियम पर कर देना है। तो ये प्रोसेस आपने तब तक करते रहना है जब तक कि 3 कप आइसिंग शुगर ख़त्म ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि हाफ हाफ कप मैं ऐड करती जा रही हूँ और साथ साथ में बीट करती जा रही हूँ।
अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून के जितना वेनिला एसेंस और साथ में ही आधा कप और पाउडर्ड शुगर और दोबारा से बीट कर लें। तो तकरीबन जब आप दो कप आइसिंग शुगर ऐड कर चुके होंगे तो आपको फील होगा कि फ्रॉस्टिंग जो है वो थिक होती जा रही है, मिक्सिंग भी नहीं हो पा रही। ऐसे में आपने ऐड करना है 1 टीस्पून के जितना मिल्क और फिर इसी तरह से बाकी ये जो अब 1 कप आइसिंग शुगर है ये भी हाफ हाफ कप करके ऐड कर दें और जहाँ पर भी आपको फील हो फ्रॉस्टिंग थिक हो रही है आपने 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून के जितना मिल्क साथ में ऐड कर देना है। तो इस रेसिपी में टोटल 2 टीस्पून मिल्क मैंने ऐड किया तो बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग की परफेक्ट कंसिस्टेंसी तैयार हो गई। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपने घर की पिसी हुई पाउडर्ड शुगर ऐड नहीं करनी, उससे ये फ्रॉस्टिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। तो बाजार से ही आइसिंग शुगर खरीदें और उसी से बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग बनाएं। केक जो है वो 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, बिल्कुल चिल हुआ हुआ है और ये जो इसकी ब्राउन कलर की आपको फ्रॉस्टिंग नज़र आ रही है ये बिल्कुल सेट हुई हुई है। तो इसलिए ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं करेंगे तो ब्राउन फ्रॉस्टिंग ये वाइट बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग के साथ मिक्स हो जाएगी। इवन दो कि ये फ्रिज में था फिर भी आप कहीं कहीं देख सकते हैं कि ब्राउन स्पॉट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अब केक का जो ऊपर का हाफ पार्ट है वहाँ पर मैंने ये बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग लगा के स्क्रेपर से इसको इवन आउट कर दिया है और फिर इसी तरह से केक का जो टॉप पार्ट है उसको भी बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग से पूरा कवर कर दें। कवर करने के बाद जितना हो सके आप स्क्रेपर से ही केक को स्मूथ कर लें। अब ये जो नीचे का पार्ट है केक का वहाँ पर मैंने ये वाइट फ्रॉस्टिंग इसलिए नहीं लगाई थी क्योंकि मुझे किरत ने कहा था कि उसको यूनिकॉर्न केक में पिंक कलर भी चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी ली है बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग प्लेन और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये रोज़ कलर और ये कलर बहुत कंसंट्रेटेड है, जेल कलर्स हैं ये, तो बहुत कम आप देख सकते हैं। टूथपिक बिल्कुल कॉर्नर से मैंने एक जस्ट हल्की सी एक लाइन जो है वो ऐड की है फ्रॉस्टिंग में। तो फ्रॉस्टिंग में कलर ऐड करने का तरीका यही है कि आप कम क्वांटिटी में फूड कलर ऐड करें, मिक्स करें और चेक करें। अगर कम लगे, जैसे कि यहाँ पे मुझे ये भी परफेक्ट कलर नहीं आया तो मैंने एक जो है आप इवन ये एक डॉट भी नहीं है उससे भी कम ये पार्ट है जेल कलर का जो कि मैंने ऐड किया और ये परफेक्ट पिंक कलर जो मुझे चाहिए था वो आ गया और फिर इससे जो लोअर पार्ट है केक का ये पूरा पिंक कलर की जो फ्रॉस्टिंग है इससे मैंने कवर कर दिया है। एक और टिप, जब आप केक को अगर इस तरह से दो कलर से फ्रॉस्ट करेंगे वाइट और पिंक जैसे कि मैंने किया तो दोनों फ्रॉस्टिंग्स के बीच एक लाइन बन जाएगी। उसको हटाना कैसे, आपने सिंपल कोई कार्ड लेके इस तरह से आप चलाएंगे लाइन के ऊपर तो वो जो एक गैप है वो हट जाएगा और बिल्कुल स्मूथ केक तैयार हो जाएगा। यूनिकॉर्न केक टॉपर के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैंने ये बॉक्स ये किट बाय की है वॉलमार्ट से, आप अमेजोन से भी खरीद सकते हैं, आप इसको फॉन्डेंट से भी बना सकते हैं। लेकिन अगर ये तीनों ऑप्शन नहीं तो फिर आप ये कर सकते हैं कोई हेडबैंड बाय कर लें बाजार से, उसको कट करके केक पर लगा दें, ईयर्स और आईलैशेस आप जो है वो कार्डबोर्ड वगैरह से बना लें। केक को मैं यहाँ पे मज़ीद स्मूथ कर रही हूँ बटर पेपर से इस तरह से और ज़रूरी नहीं कि आप भी करें और ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह से कलरफुल बनाएं। इससे पहले जो अनाया की बर्थडे पे केक बनाया था मैंने बहुत सिंपल बनाया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने जस्ट यही बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग लगाई और घर के गार्डन से ही गुलाब के फूल लगा दिए थे तो वो भी बहुत अच्छा ही बन गया था केक। तो यहाँ पर यूनिकॉर्न का हॉर्न, ईयर्स और लैशेस मैंने लगा दी है और स्टार टिप को यूज़ करते हुए यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोजेट्स। पहले ये एक मैंने जो है वो बनाया फ्रंट पे और फिर छोटे छोटे डिफरेंट रैंडम इधर उधर आप बना दें।
और यहाँ पर जो बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग थी उसको मैंने मज़ीद दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया, हाफ में ऐड किया पर्पल जेल कलर और बाकी हाफ में लाइट ब्लू कलर। तो इससे दूसरी टिप मैं यूज़ कर रही हूँ और इस तरह से छोटे छोटे फूल और बना रही हूँ रैंडम इधर उधर, प्लस थोड़ी सी और डेकोरेशन। अब ज़रूरी नहीं कि आप भी करें, आप इसको सिंपल भी रख सकते हैं, और अगर आपके पास कलर्स नहीं तो वाइट बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग से भी आप ये सब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इस केक में जितने भी प्रोडक्ट्स और टिप्स इस्तेमाल हुई हैं विल्टन की, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और इसको फैंसी करने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ शुगर पर्ल्स, तो अगर आपके पास नहीं तो आप स्किप कर दें। तो यूनिकॉर्न केक ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं कि इसकी बैक पर भी मैंने ये तमाम फूल ये सब डेकोरेशन कर दी थी और साइड पर भी। अगर आप ये एडिशनल ये जितना आपको दिख रहा है ये रोजेट्स वगैरह और ये जो बर्ड्स मैंने बनाई, अगर ये आप नहीं बनाना चाहते तो फिर आप हाफ कप बटर इस्तेमाल करें, उससे जो फ्रॉस्टिंग तैयार होगी वो आपको इनफ होगी। तो देखें तैयार है होममेड यूनिकॉर्न बर्थडे केक। बनाना मुश्किल नहीं है, स्टेप्स लेंथी ज़रूर हैं लेकिन टोटल 2 दिन की मेहनत है अगर एक पर्सन करे, और अगर आपके साथ कोई हेल्प है तो आप इसको 1 दिन में ही तैयार कर सकते हैं। बहुत इजी है, दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 को आप पहले आराम से वॉच करें और फिर इसको तैयार कर लें। थम्स अप, ये ठीक है। अब हम कैंडल्स लगा रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। सो गुड किरत, ये देखिए केक बटर क्रीम बहुत मज़े की और नॉट टू मच मीठी, और केक भी सॉफ्ट। अब ये कि मैं इसी हाथ से वीडियो बना रही हूँ और आपको दिखा भी रही हूँ। आप केक का टेक्सचर अंदर से भी देख लीजिए, ये प्रीवियस केक सेम मेथड से जो मैंने बनाया था अनाया की बर्थडे पे उसका क्लिप है, क्योंकि मैं नहीं शूट कर सकी थी, हमको कहीं जाना था। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, पिक्चर्स शेयर करें मेरे साथ इंस्टाग्राम पे, यूज़र नेम है हुमैंदा किचन। मुझे दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।